मुगल एम्पायर के बारे में पहले से ही पढ़ रहे थे। आज हम एक तीसरे रूलर्स के बारे में बात करेंगे, वो है अकबर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाबर, जो कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है। उसके बाद सेकेंड पे हम लोगों ने पढ़ा हुमायूं, दैट इज इंडस सन ऑफ बाबर। एंड नेक्स्ट इज उनमें हम लोगों ने पढ़ा शेर शाह सूरी। ठीक, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो मुगल एम्पायर से बाहर है ना। जो शेर शाह सूरी वो मुगल एम्पायर से बाहर है, क्योंकि इस डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, इस राजवंश से नहीं है, ये बाहरी था। लेकिन इसने 15 साल तक पूरी तरीके से मुगल एम्पायर पर ब्रेक लगा दिया था और दिल्ली सल्तनत पे दूसरे डायनेस्टी का कब्जा हो गया था, वो हुआ शेर शाह सूरी। बाद में हमने देखा कि हुमायूं जब देखा कि जो सूरी डायनेस्टी है, सूरी डायनेस्टी एक वीक रूलर के हाथ में चली गई है, वो था सिकंदर सूरी। ठीक है, वो एक वीक रूलर था उस टाइम। हुमायूं ने 15 सालों के बाद फिर से रिकैप्चर किया किसको, दिल्ली को, है ना, दिल्ली को इसने रिकैप्चर कर दिया। कौन, हुमायूं, है ना, हुमायूं ने इसको रिकैप्चर कर लिया। रिकैप्चर करने के बाद हम देखेंगे कि लंबे समय तक उसकी लाइफ रह जाती है। इसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है कब होती है, इन 1556। ठीक, 1556 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी हुमायूं, ठीक है, मतलब दिल्ली को हुमायूं ने रिकैप्चर कर लिया। रिकैप्चर करने के बाद ये लंबे समय तक दिल्ली के सिंहासन पर नहीं रह सका। क्यों, क्योंकि इसकी 1556 ईस्वी में 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। देन आफ्टर द हुमायूं द थ्रोन ऑफ दिल्ली सक्सीडेड बाय अकबर द ग्रेट। ठीक है, ये सक्सीड होती है किसके पास जाती है, अकबर के पास। क्यों, क्योंकि अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का एक सन था। और अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक, अकबर जो उस डायनेस्टी का एक प्रोमिनेंट रूलर हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का। ठीक, और इसके बिना मुगल एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से थोड़ा सा अधूरा लगता है अगर हम अकबर के बारे में सही जानकारी ना हो। क्यों, क्योंकि ये उस डायनेस्टी का सबसे प्रोमिनेंट रूलर रहा है। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक, अकबर जो ग्रेट एम्पायर है, बहुत ही ग्रेट सम्राट है मुगल सल्तनत। ठीक है, मुगल सल्तनत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहा है अकबर। अकबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अकबर को जब सिंहासन मिलता है दिल्ली का, उस टाइम उसकी एज बहुत ही कम रहती है। ठीक, उसकी एज बहुत ही कम रहती है। दैट मीन्स जब दिल्ली को 1555 में हुमायूं ने रिकैप्चर करने के बाद ये लंबे समय तक नहीं जी पाया और एक साल के बाद ही 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। देन
इनकी जो इंटीरियर है वो जाती है इन दाइना अकबर, वो अकबर के हाथों में चली जाती है। ठीक, अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है और जो अकबर है वो एक बहुत ही ग्रेट इम्पीरर है जिसकी जो रिजिट्स है वो बहुत लंबे सालों के लिए, जिसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड रही है वो बहुत लंबे सालों तक रही है, 1556 से लेकर के 1605। ठीक है, इतने लंबे सालों तक अकबर का शासन रहा है। तो इस टॉपिक में अकबर के बारे में पढ़ेंगे और अकबर ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स अपने शासन के दौरान गेन करी है उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट इज हम देखेंगे जब अकबर को शासन मिलती है, अकबर जब रूलर बनता है उस टाइम रूलर की जो एज है वो पूरी तरीके से सिर्फ 30 यही रहती है। ठीक, ही वाज 13 या ओल्ड। ठीक है, ये सिर्फ 13 साल का था व्हेन ही बिकेम एम्पायर। ठीक, जब ये एम्पायर बनता है, राजा बनता है, उस टाइम उसकी सिर्फ और सिर्फ 13 साल रहती है। किसकी? अकबर की। उसके अलावा हम देखेंगे अकबर कि एज बहुत ही कम थी, वो सिर्फ 13 साल का ही था, लेकिन उसके पास एक ट्यूटर हुआ करता था जिसका नाम था बैरन खान। ठीक, तो ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली अंडर द गार्जियनशिप ऑफ बैरन खान। ठीक है, ये जो शासन कर रहा था दिल्ली में, चूंकि इसकी एज बहुत कम था, ये 13 या कैफ चाइल्ड था, मतलब अबोध बालक था, तो उस टाइम इसने शासन बहुत अच्छे से करी, लेकिन इसके पास एक ट्विटर हुआ करते थे, एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था बैरम खान। बैरम खान एक जानकार गुरु हुआ करता था जिसके अंडरशिप में अकबर ने बहुत सारी अचीवमेंट्स गेन करी और अपने शासन को बहुत अच्छे से चलाना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने देखा दिल्ली को रिकैप्चर किया हुमायूं के द्वारा किया गया 1556 में, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया, सिर्फ एक साल बाद 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। देन जो दिल्ली का साम्राज्य है वो मिल जाता है अकबर को। अकबर इस सल्तनत का, इस डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राजा बनने का जो रिकॉर्ड है वो इसी के पास रहा है, जब 1556 से लेके 1605 शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत पे पूरी तरीके से जो दिल्ली का थ्रोन है उस पर रहता है। लेकिन इसकी इसको राज्य बहुत ही कम एज में मिल गया था, उस टाइम उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही ये कॉम्पिटेंट रूलर हुआ करता था। लेकिन इसके पास एक ट्विटर हुआ करते थे जिसके अनुसार इसने अपने राज्य पाठ को चलाना शुरू किया जिसका नाम होता था बैरम खान। ठीक है, बैरम खान के अंडरशिप में इसने पूरी तरीके से अपने राज्य को आगे चलाना शुरू किया। आगे चलाते चलाते इसके पास एक्सपीरियंस होता जाता है और ये अपने राज्य को पूरी तरीके से अनेक्सेशन करता है। अनेक्स मतलब होता है कि दूसरे राज्य को अपने बगल के पड़ोसी राज्यों को जीत करके उसकी सीमाओं का विस्तार करता है, उसको इंक्रीज करता है, अपने राज्य की सीमाओं को इंक्रीज करता था। दैट मीन दूसरे राज्यों को जीत करके और जीतने के बाद उसको ये अपने राज्य में अनेक्स कर लेता था, ब्ले कर लेता था। राइट, नेक्स्ट इज हम देखेंगे इस तरीके से जो अकबर हुआ इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इसने जो पहली लड़ाई लड़ी वो लड़ी 1556 ईस्वी में
छप्पन ईस्वी में, बहुत ही कम एज में, जिसको हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था जो 1539 में लड़ी गई थी, उसको वो फाइट हुई थी बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में, लोदी डायनेस्टी के बीच में, लेकिन इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जो लड़ी गई अकबर और हेमू के बीच में। रिजल्ट ये निकलता है कि जो हेमू है वो इस लड़ाई में हार जाता है बाय द हैंड ऑफ अकबर, ठीक है, अकबर के द्वारा ये जो हेमू है वो पूरी तरीके से हरा गया, ठीक है। तो 1556 में इसने पहली लड़ाई लड़ी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के द्वारा लड़ी गई हेमू के मध्य में, और रिजल्ट ये निकला कि जो हेमू हुआ वो हार गया, ठीक। अब क्या हुआ, और ये लड़ाई पहली लड़ाई इसने लड़ी थी अंडर द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान, है ना, इसने बैरम खान के गार्जियनशिप में पहली लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, अब चूंकि ये एक लड़ाई जीत चुका था, है ना, ये पूरी तरीके से एक लड़ाई जीत चुका था, इस नाते जो अकबर था उसके पास एक्सपीरियंस पूरी तरीके से हो चुका था, ठीक है, और हेमू को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को में हराने के बाद इसने आगरा और दिल्ली के जो थोड़े बहुत पार्ट हेमू के अंडर में थे वो भी इसने पूरी तरीके से ले लिया था, ठीक है। वैसे तो दिल्ली पर मुगल साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो थे वो हेमू के हाथ में हुआ करता था, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ उस सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में पूरी तरीके से इसने इस बचे राज्य पर भी पूरी तरीके से अनेक्स कर लिया था, रिकैप्चर कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे 1556 ईस्वी में जब इसने हेमू को हरा दिया, तो उस टाइम ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो आत्मविश्वास था, वो बहुत बढ़ चुका था, है ना, क्योंकि इसने एक लड़ाई जीत ली थी, इस नाते अब ये बैरम खान से मुक्त हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का एक्सपीरियंस हो चुका था, और ये बैरम खान से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद की अपनी एक्सपीरियंस, क्योंकि एक लड़ाई ये पहले से ही लड़ चुका था। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या हुआ, जो बैरम खान एक एरोजेंट पर्सन था, मतलब वो थोड़ा पक्षपाती किस्म का था, इस नाते क्या हुआ, वो जब तक इसका एज ए ट्यूटर काम करता था, ऐसे समय पे अकबर के पास जो नंबर ऑफ इनमीज थे उसकी संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसकी संख्या बढ़ रही थी, इस नाते अकबर ने सोचा कि अब बैरम खान को अपने क्रियाकलापों से, दैट मीन्स उनका जो रोल है उस रोल से मुक्त कर दिया जाए, दैट मीन्स हमारे साथ में उनका जो रोल है उस रोल से इनको मुक्त किया जाए। रिजल्ट ये निकलता है कि इसके पास नंबर ऑफ इनमीज बहुत ज़्यादा थे बैरम खान के पास भी, इस नाते 1560 में जो अकबर हुआ उसने बैरम खान को भेज देता है लेकर मक्का, भेजता है मक्का मदीना, है ना, भेजता है कि जा करके आप इस प्लेगेरियस सेंटर को विजिट कर लीजिए, कब भेजता है, 1560
साठ ईस्वी में। बैरम खान जाता है लेकिन रास्ते में ही बैरम खान की के पास जो नंबर ऑफ इंग्लिश थे बहुत ज्यादा थे, इस नाते बैरम खान को किल कर दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो दरमेश बैरम खान का रोल 1560 ईस्वी में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक, मतलब इस लड़ाई को जीतने के बाद, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद अकबर जो हुआ वो रिजल्ट हो गया, दैट मीन्स बैरम खान से मुक्त हो गया, उसके पास आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह से 1560 शताब्दी में ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को भेज दिया कि आप मक्का चले जाइए, वहाँ रास्ते में बैरम खान को कोई एक इनमेज उनके खत्म कर देता है, उनको कैद कर देता है, मार देता है। उसके बाद हम देखेंगे, इन सब के बाद हम देखेंगे अकबर जो है वो एक बहुत ही ग्रेट इम्पीरियल है, इस राजेश को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। तो अकबर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो हम इसकी अचीवमेंट्स देखेंगे, है ना, जो अकबर है अकबर की अचीवमेंट्स क्या है। ठीक, तो अकबर अचीवमेंट्स हम देखेंगे। अकबर अचीवमेंट्स है ना, अकबर जो हुआ उसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स गेन करी है ना, तो हम देखेंगे आफ्टर डिफीटिंग, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग ऑफ हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर एंडेड द रिजेंसी ऑफ बैरम खान, रिजेंसी ऑफ बैरम खान ही टूक अ पावर इन द हैंड ऑफ हिम, ठीक है, उसने अपने हाथों में, ठीक है, पूरी पावर ले ली थी, क्योंकि 1560 ईस्वी में बैरम खान की डेथ हो चुकी थी और 1556 ईस्वी में अकबर ने बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड बैटल हुआ उसमें हिम को हरा दिया था, जिससे इसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। अब क्या हुआ, इसके पास आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इस नाते इसने कुछ और क्षेत्रों को कंक्वायर करना शुरू किया था, कंक्वायर मतलब जीतना शुरू किया, ठीक है, इसने जो कुछ क्षेत्रों को जीता, सबसे पहले अपने राज्य को एक्सटेंड करना शुरू किया, एक्सटेंशन करना शुरू किया, वो हुआ ग्वालियर, ठीक है, सबसे पहले इसने ग्वालियर को जीता, देन अजमेर पे अटैक किया, देन इसने जीत लिया जौनपुर, ठीक, इन क्षेत्रों को अनेक्स्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसमें मुगल इंपीरियर पे मतलब देखी में। उसके बाद ठीक इतना करने के बाद, ठीक, इन क्षेत्रों को जीतने के बाद, ग्वालियर अजमेर और जौनपुर को जीतने के बाद, फिर ये अनदर क्षेत्र पर अटैक करता है, वो है गोंडवाना क्षेत्र, कहां पर अटैक करता है, गोंडवाना पर, गोंडवाना पर जहां की शासन प्रभुता रहती है रानी दुर्गावती के हाथों में, ठीक है, जो एक गौड़ रानी थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती और उनका एक बेटा था जिसका नाम था वीर नारायण, ठीक, वीर नारायण और रानी दुर्गावती, ठीक, ये लड़ाई लड़ी किसने, अकबर ने अपने गोंडवाना क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, इसने रानी दुर्गावती और वीर नारायण से लड़ाई लड़ी। इस बैटल में क्या हुआ कि उनका बेटा जो वीर नारायण हुआ वो लड़ाई में मार गया, ठीक, बाय हरा, वो इस लड़ाई को हार गया अकबर के द्वारा, और रानी दुर्गावती ने
सुसाइड नहीं, क्योंकि वो शत्रुओं के हाथ से, दैट मीन्स अकबर के हाथों से हारना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही ब्रेव तरीके से इन दोनों ने अकबर का सामना किया। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अकबर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत ही स्किलफुल और ट्रेंड आर्मी थी, जिसके नाते रानी दुर्गावती और वीर नारायण उस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन वीर नारायण उस बैटल में मार दिया जाता है और जो रानी दुर्गावती होती है वो सुसाइड कर लेती है। अब इस तरीके से इस लड़ाई में रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये करता है कि जो गोंडवाना क्षेत्र था, गोंडवाना क्षेत्र आल्सो अनेक्ट बाय द अकबर, ये क्षेत्र भी अकबर के राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे इन सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद, ठीक है, बाबर के पास एक वास्ट एम्पायर पूरी तरीके से हो गया था। अब क्या हुआ, अकबर जो था वो पूरी तरीके से समझ रहा था कि भारत में जो राजपूत का मिटीज है, ठीक, राजपूत कमिटीज ऐसी कमिटीज होती थी जो उस टाइम बैटल के क्षेत्र में बहुत स्किल्ड होती थी, अब इनसे उसको थोड़ा खतरा था, इस नाते राजपूत कमिटी से इसने फ्रेंडशिप करी, ठीक, वो कैसे मैरिज करी, ठीक, इसने अपनी शादी भी राजपूत कमिटी में कर ली थी, और जो बहुत सारे और भी राजपूत कमिटीज होती थी उस राजपूत के जो चीफ होते थे उनको वो अपने यहाँ हाईली ऑफिशियल पोस्ट पर रखता था, बड़े बड़े पोस्ट पर रखता था, ताकि वो उनके समक्ष कोई भी आवाज ना उठा पाए। उनमें हम देखेंगे इसने पूरी तरीके से बहुत सारे लोगों से फ्रेंड रिलेशनशिप करनी शुरू की, उसमें पहले भी राजा मानसिंह, सेकेंडली राजा तोदरमल, इन लोगों को वो अपने राज्य में हायर पोस्ट पर रखता था, ठीक, ताकि वो उनके अगेंस्ट में कुछ कर सके। तो इस नाते इन सारे क्षेत्रों पर वो पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू किया। कुछ ऐसे भी राजपूत कमिटीज हुआ करते थे जो अकबर के सुप्रीमेसी को एक्सेप्टेड नहीं करते थे। रिजल्ट ये निकला कि अब धीरे धीरे 1568 में इसने पूरी तरीके से बहुत सारे क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साम्राज्य होते थे जो अकबर की सुप्रीमेसी को स्वीकार करते थे और वो अपने राज्य को ऑटोमेटिकली कर देते थे अंडर द हैंड्स ऑफ अकबर। अब क्या हुआ 1568 में, है ना, 1568 में अकबर ने और भी बहुत सारे क्षेत्रों को पूरी तरीके से कब्जा किया, उनमें चित्तौड़, रणथंभौर, इनके अलावा और भी क्षेत्रों को इसने कब्जा किया। फिर क्या हुआ, कुछ लोग इसकी सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं करते थे, इस नाते 1576 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होती है, जो बैटल होती है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और
काटी, जिसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई। इसमें भी रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जो राणा प्रताप थे वो डिफीटेड हार गए बाय द अकबर। ठीक है, ये इस लड़ाई में अकबर के द्वारा हार गया। रिजल्ट ये निकला कि चित्तौड़, रणथंभौर और जो बहुत सारे इलाके जो महाराणा प्रताप के हाथों में हुआ करते थे वो सारे राज्य मिल जाते हैं अकबर। ठीक, अकबर को मिल जाते हैं और इस तरीके से अब उसके पास एक बहुत ही ग्रेट इम्पीरियर बन जाता है, बहुत ग्रेट इम्पीरियर बन जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लेता है और उस टाइम भारत में राजपूतों में यूनिटी नहीं आती है। बहुत सारे लोग अकबर से, अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है और जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके साथ वो लड़ाई करता है और उनको युद्ध में हरा देता है और हराने के बाद उस क्षेत्र को कन्वर्ट करके अपने राज्य में अनेक्स्ट कर देता है। ठीक, अब क्या होती है, अब हम देखेंगे, अब उसके पास चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, कालिंजार जैसे क्षेत्रों को जीत लेता है। अब उसका राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है जहाँ वो जीतता है कश्मीर को, अंदेश को, काबुल को, कांधार को, इन सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। अब उसके बाद एक बहुत ही बड़ी एम्पायर बन जाती है जो पूरी तरीके से बहुत ही बड़ी एम्पायर बन जाती है, ये इसकी अचीवमेंट से ही देखेंगे। इसकी जो राज्य हुआ वो बेस्ट थे हिंदू कुश, और ईस्ट में वो फैलती है ब्रह्मपुत्र, बहुत ही ग्रेट एम्पायर है। इनके अलावा नॉर्थ में हिमालय और साउथ में गोदावरी है ना, मतलब ये बहुत ही ग्रेट एम्पायर है। इसने अपने बहुत सारे राज्यों को कब्जा किया और अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, है ना। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, उसने किस तरीके से सभी धर्मों के लोगों को मानता था या नहीं मानता था, या उसके कैसे रिलेशनशिप थे, उसके बारे में अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज हमने अच्छे से पढ़ा है अकबर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1556 ईस्वी में ये दिल्ली सल्तनत में जयपुर जो मुगल इम्पीरियर होता है उसके सिंहासन पर बैठता है, लेकिन उस टाइम उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 13 साल लगती है। उस 13 साल के एज में ये दिल्ली का राजा बन जाता है, लेकिन इसके पास एक ट्विटर हुआ करते थे जिनका नाम था बैरम खान। बैरम खान के गार्जियनशिप में ये राज्य चलाता था। इसने 1556 में एक पहली बैटल लड़ी जिस बैटल का नाम है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो लड़ी गई हेमू और अकबर के बीच में। रिजल्ट निकला कि हेमू पूरी तरीके से हार जाता है और दिल्ली और आगरा के कुछ पार्ट्स जिस पर हेमू का कब्जा रहता है वो अकबर फिर से रिकैप्चर कर लेता है। रिकैप्चर करने के बाद, क्योंकि बैरम खान एक बहुत ही एरोजेंस पर्सन था, ठीक है, पक्षपाती था,
इस नाते क्या हुआ, इस नाते अकबर के बहुत दुश्मन बन रहे थे, अकबर के दुश्मन बन रहे थे। इस नाते अकबर अब उसको अपने राज्य से मुक्त करना चाहता था। इस नाते 1560 ईस्वी में उसको मक्का भेज दिया था, अलीजा ट्रेवलर की जाकर के मक्का को प्रेरित कराइए। रास्ते में ही बैरम खान का कत्ल हो जाता है, उसको उनको किल कर दिया जाता है। बाद में ये पहले लड़ाई में जो हेमू के मध्य में इसकी पहली लड़ाई लड़ी गई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसको इसने पूरी तरीके से जीत लिया था। इस नाते जो अकबर हुआ इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस नाते इसने एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी ये थी कि वे अपने राज्य को और अनेक्सेशन करना चाह रहा था, एक्सटेंशन करना चाह रहा था, एक्सटेंड करना चाह रहा था, बढ़ाना चाह रहा था। बढ़ाते बढ़ाते ये अजमेर कन्नौज जैसे क्षेत्रों को जीतने के बाद इसने फिर गोंडवाना क्षेत्र को कब्जा करना शुरू किया, जहां पर रानी दुर्गावती और उनका बेटा वीर नारायण एक हुआ करता था, जिसने पूरी तरीके से अकबर के विरोध में बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत ही ब्रेवली तरीके से लड़ी। लेकिन रिजल्ट ये निकला कि उनका जो बेटा है वीर नारायण वो युद्ध में मार दिया जाता है और रानी दुर्गावती पूरी तरीके से सुसाइड कर देती है। सुसाइड करने के बाद अब क्या होता है कि जो गोंडवाना क्षेत्र होता है वो भी अकबर के हैंड में चला जाता है। फिर ये अपने और क्षेत्रों को दिल्ली के सल्तनत में या मुगल एम्पायर में अनेक्स करने के बारे में सोचता है और उसको सफलता भी मिलती है। और ये बाद में चित्तौड़, रणथंभौर और भी बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ के साम्राज्य को एक पूरी तरीके से हरा देता है। बाद में इसने राजपूत कमिटीज को ऑफर किया फ्रेंडशिप के लिए, जिसमें राजा मान सिंह और राजा तोदरमल जैसे सम्राटों को ये अपने यहाँ हाई पोस्ट पर पूरी तरीके से अपॉइंट कर देता था, जिससे ये बहुत खुश रहते थे। बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी सम्राट हुआ करते थे जो अकबर की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं करते थे। रिजल्ट ये निकला कि 1576 में इसने एक दूसरी लड़ाई भी लड़ी, वो लड़ाई हुई बैटल ऑफ हल्दीघाटी, विच इज फॉट बिटवीन द महाराणा प्रताप एंड अकबर। इन दिस बैटल अकबर डिफीटेड टू महाराणा प्रताप एंड कैप्चर्ड अगेन चित्तौड़, रणथंभौर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर सिंध काबुल कांधार खानदेश एंड अहमदनगर डेक्कन आल्सो अनेक्स्ट बाय द अकबर, देन हिज एम्पायर वाज वेरी वास्ट। इन द ईस्ट इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदूकुश टू ब्रह्मपुत्र एंड इन द नॉर्थ हिमालयाज टू साउथ, नॉर्थ हिमालयाज एंड साउथ टू गोदावरी रिवर्स। दैट मीन्स इसने बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना की। नेक्स्ट वीडियो आई विल लर्न अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, व्हाट टाइप ऑफ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, कि वो किस तरीके से सभी धर्मों के लोगों को मानता था या सिर्फ इस्लाम धर्म को भी आगे करना चाह रहा था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।